जी बताइए कैसा लगा आपको ये गाना और ये सोया चंक्स की सब्जी बनने की तैयारी हो रही है। ये मैंने पहले गर्म पानी में भिगो दिए थे और फिर उनको गर्म पानी में 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, फिर वो पानी अपने आप ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था और फिर निचोड़ के इनको और मैंने ये थोड़ा सा फ्राई पैन में तेल डाला था उसमें इनको फ्राई कर लिया था और ये तड़का तैयार वही नॉर्मल जैसे कुकर में तेल डाला और उसमें जीरा और 1 प्याज चॉप करके डाल दिया और ये इधर मैं उसकी प्योरे बनाने की तैयारी कर रही थी अभी, टमाटर लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची उसकी प्योरे बना दी और कुकर में डाल दी और उसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए मैंने जैसे धनिया, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा किचन किंग और हल्दी पाउडर, मतलब वही नॉर्मल मसाले, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी।
इसमें सीक्रेट बस यही है कि सोया को भिगो दिया था पहले मैंने, और भिगो के उसको 2 घंटे के लिए रख दिया था। वो मैंने निचोड़ा था तो जाग सा निकला, उससे साफ भी हो गई और सॉफ्ट भी हो गई। और फिर उसको हल्का सा फ्राई कर दिया तो उसमें क्रंच आ गया। और फिर ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है। इसमें मैंने प्योरे डाल दी है, और इसमें दो जो वो सोया चंक्स मैंने फ्राई किए थे उसमें मैंने आलू भी मिलाए हैं 2-3, लेकिन वो आलू मैंने क्या किया था, फ्राई नहीं किए थे, बस खाली कट करके और उसमें काट दिए। तो ये आलू और सोया की सब्जी बनाएंगे अभी। और ये इतनी टेस्टी लगी थी ना कि आपकी पनीर की जो भी मतलब बेस्ट बेस्ट जो होती है ना सब्जी, सारी सारी की सारी इसके आगे फेल हो जाएंगी। इतनी टेस्टी ये सब्जी बनी थी। और ये देखिए, मेरे हाथों हाथों के बगैर काम नहीं चलता है। हालांकि मेरे हाथ अच्छे नहीं लगते होंगे आप लोगों को, ऐसे ही है, लंबे लंबे सी उंगलियाँ हैं और पतले पतले से हैं और काले काले से भी हैं। तो ये हाथों से मैंने इसमें डाल दिया है अपना आलू और सोया चंक्स, और उसमें डाल दिया है पानी 1 गिलास के करीब। और अब इसमें मैं 3 सीटी मरवाई थी मैंने, 3 सीटी लगने के बाद एकदम बढ़िया बन गई थी ये सब्जी, और बहुत टेस्टी बनी थी। ये तो आप बनाएंगे और खाएंगे तभी पता चलेगा आपको कि कितनी टेस्टी ये बनी थी। और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, जो शुरू में मैंने ये आज गाना लगाया था ये कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने लगा दिया, मेरे को नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा लेकिन मैंने लगा दिया। और ये देखिए सब्ज़ी बन गई है मेरी, सब्ज़ी बन के एकदम तैयार हो गई है। और अब इसमें मैं एक तड़का लगाऊंगी ऊपर से, देखना अभी। और ये देखो ये पारू रोटी बना रही है, कैसे ही खाएंगे इन रोटियों को पता नहीं, कभी तो इतनी अच्छी बना देगी और कभी तो बिल्कुल ही ऐसी बनाएगी कि बस क्या ही बताऊं। अब देखो ये बनाने लग रही है रोटियां, और मैं बना रही हूँ इधर सब्जी, सब्जी का तड़का तैयार करूँगी अभी। इसमें थोड़ा सा तेल डाला मैंने, और इसमें डालूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। और फिर गैस कर दी मैंने बंद। और ये देखो ये है ना लाल मिर्च, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी तेल में डालूंगी ना तो उसको गैस को पहले बंद कर दूंगी, क्योंकि एकदम ज़्यादा तेज़ गर्म में जब हम ये लाल मिर्च डाल देते हैं तो इसका कलर लाल नहीं रहता, फिर काला काला सा हो जाता है। और ये था कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है ना इस सब्ज़ी में, इतना मस्त लगता है ये। बस ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप अपनाना, इस सब्ज़ी को बनाना और ये वाली ट्रिक अपनाना, फिर देखना कितना कितना अलग टेस्ट हो जाएगा और कितनी डिफरेंट ये सब्ज़ी बन जाएगी आपकी। एकदम सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये एक ट्रिक है ना बहुत काम आएगी इसमें। चलो अब बनाते हैं मिठाई, क्योंकि अब बंद चल रहा है ना, तो गुलिया साहब को आदत है खाने के बाद मीठा लेने की, तो बंद है तो बाहर से कुछ ला नहीं सकते, तो मैं ये घर में ही बनाऊंगी। ये मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, और 1 ही कप मैं लूँगी मिल्क, वैसा वाला मिल्क अपना सिंपल वाला, नॉर्मल टेम्परेचर का, ना फ्रिज का और ना गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर का। और ये जो मिल्क पाउडर है ना इसमें इसको मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर 1 ही कप लेंगे नारियल का बुरादा, यानी कि नारियल का वो होता है ना जो मैं लाई थी ग्रोसरी वाली, ग्रोसरी हॉल वाली आपने देखी होगी, तो नारियल का बुरादा ले लेंगे, या फिर आपके पास नारियल दो तो उसको भी कस के ले सकते हैं। लेकिन नारियल से पहले आपको चीनी डालनी है, और चीनी मैंने इसमें डाली है 1/4 कप, क्योंकि मीठा आप अपनी पसंद से डालें, हम मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने 1 कप पूरा भरा हुआ मिल्क पाउडर लिया है, और 1/4 कप चीनी ली है, और 1 कप भरा हुआ दूध लिया है, और 1 कप ही नारियल का बुरादा लेंगे हम, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले चीनी को और मिल्क पाउडर को, मिल्क में अच्छे से बिल्कुल इसको घोट लेंगे, एकदम से सिम गैस पे, बिल्कुल मंदी गैस पे खूब घोट लेंगे इसको। मेरी अपनी रेसिपी है ये, आप ट्राई करना। और ये देखिए ये मैंने नारियल डाल दिया है, नारियल का बुरादा डाल दिया है इसमें 1 कप ही भर के। और एक बात और बताती हूँ, अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो ना तो जो अपनी घर की मलाई होती है ना, दूध से उतरी हुई मलाई, उस मलाई से भी बन सकता है ये, अगर वो ना हो तो पाउडर, और मिल्क पाउडर हो तो आसान हो जाता है। मलाई में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है मलाई में बनाने से,
लेकिन टेस्ट वही आता है। और मेरे पास ये था मिल्क पाउडर, मैं उस दिन लेके आई थी ग्रोसरी और दिखाया था मैंने, उसमें लेके आई थी ये डब्बा, तो इसलिए मैंने मिल्क पाउडर ले लिया। वैसे मैं मलाई में भी बना चुकी हूँ और फिर बनाऊँगी मलाई में, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत अच्छी सी बनती है मिठाई, मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं और ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये मैंने रात को बनाई है और मेरे पास ऐसे फैंसी बर्तन नहीं है। ये देखो ये फ्राई पैन है मेरे पास, इस फ्राई पैन में मैं बेकिंग करती हूँ और इसी में मैं इसको लगा दूँगी चिकनाहट। और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, अगर बटर पेपर हो ना, बटर पेपर पे आप इसको डालोगे तो बहुत अच्छे से पीस बनेंगे। और मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ऐसे ही इस पर घी लगाया और इसमें डाल दिया। और इसको मैं अभी जमा के और फ्रिज में रख दूँगी और फिर सुबह खोलूँगी, इसको निकालूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। इसको ऐसे एक सार कर देंगे, एक सार मतलब एक साइड में लगा देंगे, इसको शेप सी दे देंगे इसे और इसको फ्रिज में रख देंगे। वैसे फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी है ना अपने यहाँ पे तो दिल्ली में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक क्या है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और वेलकम किया है मैंने आज इसके साथ, ये आज पता है क्या कह रही है और बता दूं क्या ये कह रही है? इसको जिम ज्वाइन करना है। तो बताइए आप लोग, कमेंट करके बताना इसको जिम ज्वाइन करवाऊं क्या मैं? इसका जी तो निकलने को और मरने को नहीं हो रहा है। ठीक हो जाएगा ना जिम ज्वाइन करने के बाद? जिम जाएगी और वहाँ पे ट्रेनर ने कुछ करवा दी इससे एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता है भाई, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। और ये हो जाएगी वहाँ फ्लैट। तो जी कैसे हैं आप सब? आज मैंने मिठाई बनाई है, वो आप ट्राई करना। वैसे तो खैर मैं बताऊंगी जब वीडियो में आएगा, वो पूरा प्रोसीजर उसमें बताऊंगी, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ईजी है। और अभी मैंने उसको अभी रात के कितने बज गए हैं, 10:45 रात के, तो अभी मैंने उसको बनाया है और उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, सुबह कट करूंगी ना फिर दिखाऊंगी आपको। बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनती है। अभी जो लॉकडाउन रखा है ना, बंद हो रखा है, और तो कुछ फिर भी खुल भी जाता है लेकिन मिठाई की दुकान बिल्कुल भी नहीं खुलती है, तो इसलिए वो मैंने बनाई है। इनको फिर बस मिठाई बनानी है। मिठाई इसलिए बनानी है क्योंकि हमारे गुलिया साहब को मिठाई मीठा खाना होता है खाने के बाद, तो इसलिए मेरे को मिठाई बनानी पड़ी उनके लिए। वो अब इतनी बन गई है, ये तो खाएगी नहीं, ये तो खाती नहीं है मीठा। और मेरा बेटा है वो खाएगा कभी कभार, नहीं तो गुलिया साहब ही खाएंगे उसको। मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाती, लेकिन कम खाती हूँ। और वापस से आज गर्मी हो गई है, 2-3 दिन तो बहुत अच्छा मौसम था, बारिश का ठंडा मौसम था बिल्कुल। मेरे को तो ये लग रहा था कि पंखा भी ना चलाऊं, लेकिन मच्छर है ना, मच्छर नहीं जीने दे रहे थे इसलिए पंखा चलाना पड़ रहा था। और आज तो बहुत गर्मी है, मैं अभी किचन में थी तो पसीने आ रखे थे, देखो दिख रहे होंगे पसीने और मेरे चांदी के बाल। चांदी के बाल आ रखे मेरे। तो फिर अभी वीडियो का एंड कर दूं क्या? पता नहीं, वीडियो का एंड शायद हो ही जाएगा अभी, लेकिन सुबह की क्लिप तो मुझे करनी है एक एंड, वो मिठाई वाली मिठाई कट करके दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी बनी है वो, फिर आप भी ट्राई करना उसी रेसिपी से और फिर मेरे को बताना कैसी लगी आपको, और मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी बताया करो कमेंट करके। और वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा नहीं देखते हो, जितने भी क्लिक करते हो ना तो पूरा नहीं देखते हो, पूरा देखा करो वीडियो को, बड़ी अच्छी वीडियो बनाती हूँ मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाती हूँ। और आप लोग पूरी देखा करें, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह। ओके जी, गुड मॉर्निंग हो गई है अभी, ये देखिए गुड मॉर्निंग हो गई है। और ये आपको दिखा रही हूँ मैं कट करके, ये देखिए बहुत अच्छी बनी है ये मिठाई, आप ट्राई करना इसी रेसिपी से, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनने वाली मिठाई है, ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और अब कर देती हूँ मैं वीडियो का एंड, मॉर्निंग हो गई है
आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज। ओके बाय।